शांति, ओम शांति, ओम शांति। 6/10/2021 प्रातः मुरली, ओम शांति। बाप दादा मधुबन, आज मीठे मीठे प्यारे प्यारे शिव बाबा ने मीठे मीठे प्यारे प्यारे रूहानी बच्चों से कहा, मीठे बच्चे इस पुरानी दुनिया से बेहद के बैरागी बनो, क्योंकि बाप तुम्हारे लिए स्वर्ग रूपी घर बना रहे हैं। प्रश्न है, इस अविनाशी रुद्र यज्ञ में किन किन बातों के कारण ही विघ्न पड़ते हैं? उत्तर है, यह शिव बाबा का रचा हुआ अविनाशी रुद्र यज्ञ है। इसमें तुम मनुष्य से देवता बनने के लिए पवित्र बनते हो, भक्ति आदि छोड़ते हो, इस कारण विघ्न पड़ते हैं। लोग कहते हैं शांति हो, विनाश ना हो, और बाप ने यह रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा ही है पुरानी दुनिया के विनाश के लिए। इसके बाद ही शांति की दुनिया आएगी। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ बाप ने बच्चों को समझाया है, अहम आत्मा का स्वधर्म है शांत, मुझ आत्मा का स्वरूप है शांत, स्वधर्म जो उसका ओरिजिनल धर्म है, गुण है, वह है शांत। शांति धाम में जाने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है, आत्मा स्वयं शांत स्वरूप शांति धाम में रहने वाली है। यहाँ थोड़े समय के लिए शांत रह सकते हैं। आत्मा कहती है, मेरी कर्मेंद्रियों का बाजा जो थक गया है, मैं अपने स्वधर्म में टिक जाता हूँ, शरीर से अलग हो जाता हूँ, परंतु कर्म तो करना ही है, शांति में कहाँ बैठे रहेंगे। यदि एग्जाम्पल से समझते हैं, यदि आप सदैव नौकरी पर जाते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, आपको 8 दिन 15 दिन 1 महीने की लीव रहती है, आप उस लीव को बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं, खुशी खुशी घर में रहते हैं। लेकिन यदि आपसे कहा जाए कि आप हमेशा ही घर में बैठो, तो आप बोर हो जाएंगे, आपको अच्छा नहीं लगेगा। यदि आप वो काम पर वापस नहीं जाएंगे, तो बात पैसे के लिए नहीं, आपका शरीर बीमार भी पड़ेगा, थके थके भी लगेंगे, और आपको वो सब मंजूर ही नहीं होगा कि मैं घर से ना निकलूं, कुछ ना करूं, घर में बैठे रहूं, है ना। तो बाबा कहते हैं, बाबा वही बात समझा रहे हैं कि मैं जो यहाँ थोड़े समय के लिए शांत रह सकते हैं, लेकिन आत्मा कहती है, मेरी कर्मेंद्रियों का बाजा थक गया है, मैं अपने स्वधर्म में टिक जाता हूँ, शरीर से अलग हो जाता हूँ, परंतु कर्म तो करना ही है। शांति में कहाँ तक बैठे रहेंगे? आत्मा कहती है, मैं शांति देश की रहवासी हूँ, सिर्फ यहाँ शरीर में आने से मैं टॉकी बना हूँ, है ना। जब तक शरीर धारण नहीं करेंगे, तब तक टॉक नहीं कर सकते ना। अहम आत्मा मम शरीर, आत्मा कहती है कि यह मेरा शरीर है। आत्मा ही पतित और पावन बनती है, आत्मा पतित बनती है तो शरीर भी पतित बनता है, क्योंकि सतयुग में 5 तत्व भी सतो प्रधान होते हैं। यहाँ 5 तत्व तमो प्रधान है, सोने में खाद पड़ने से सोना पतित बन जाता है, शुद्धि होती है ना सोने में, उसको निकाल के प्यूर करते हैं, तभी आप कहते हैं कि ये अब सोना है, है? तो इस तरह से
जिस तरह से सोने में खाद पड़ने से सोना पतित बन जाता है, फिर उनको साफ करने के लिए आग में डाला जाता है, उनको योग अग्नि नहीं कहा जाता। योग अग्नि भी है जिससे पाप जलते हैं। और योग माना याद, और याद किसकी? पतित पावन पिता परमपिता परमात्मा की। और कौन याद करता है? जो आत्मा पतित बनी है, भक्त, जिसे भगवान याद, भगवान को याद करती है। कौन याद करती है? आत्मा। जो याद करने वाली है वो आत्मा, और जिसे याद करते हैं वो भगवान, है ना? तो इस तरह से योग की अग्नि में अपने जो विकर्म है उन्हें उसमें क्या करना है, ज्वाला में जल करके उस अग्नि में स्वाहा करने हैं, है ना? तो ये तो संकल्प की शक्ति से ही होगा। और याद में रहेंगे तो जैसा बाप है, बाप समान बनना शुरू हो जाते हैं ना। तो इस तरह जिसके साथ हम रहते हैं, जिसकी याद में रहते हैं, तो उसके गुण हमारे में अपने आप ही ट्रांसफर होने शुरू हो जाते हैं। यह बात बाबा हमें बैठ सम्मुखो बच्चों को समझाते हैं। बाबा कहते हैं, योग अग्नि भी जिससे पाप जलते हैं, आत्मा को पतित से पावन बनाने वाला परमात्मा है। नाम ही एक का है, बुलाते हैं हे पतित पावन आओ। ड्रामा प्लान अनुसार सबको पतित तमो प्रधान बनना ही है। यह झाड़ है ना, उस झाड़ का बीज नीचे रहता है। लौकिक जीवन में जो झाड़ रहता है उसका बीज कहाँ रहता है? नीचे जमीन में गड़ा हुआ होता है, मिट्टी के अंदर दिखाई नहीं देता है ना। इनका बीज ऊपर है, मनुष्य रूपी सृष्टि रूपी झाड़ का जो बीज है, जो सुप्रीम सोल है बीज, जिससे फिर ये आत्माएं नीचे आती हैं, जन्म लेती हैं, तो वो बीज ऊपर में है। उल्टे कल्प तरु के जल तरह दिखाया है ना, तो इनका बीज ऊपर में है। बाप को जब बुलाते हैं तो बुद्धि ऊपर चली जाती है, जिससे तुम वर्षा ले रहे हो वह अब नीचे आया हुआ है। कहते हैं मुझे आना पड़ता है। मेरा जो यह मनुष्य सृष्टि का झाड़ है, यह अनेक वैरायटी धर्मों का है। अब वह तमो प्रधान पतित जर्जरी भूत अवस्था को पाया हुआ है। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, सतयुग में पहले पहले होते हैं देवी देवता, देवी देवताएं होते हैं। अब कलयुग में है असुर, हाँ, सभी असुर हैं। असुर कैसे कहेंगे? कोई किसी को असुर मानता नहीं, खुद को असुर नहीं मानते, लेकिन ये दुनिया तो रावण राज्य में है ना, तो रावण राज्य की गिरफ्त में है। आसुरी अवगुण हैं, जो हमारे सद्गुण हैं, जो देव गुण हैं, वो तो किसी में है नहीं। तो बाबा कहते हैं ये असुर है ना। अब कलयुग में क्या है? असुर। तो बाकी असुर और देवताओं की लड़ाई लगी नहीं, तुम इन आसुरी पांच विकारों पर योग बल से जीत पाते हो। हाँ, इसमें किसी की खूने नाहक नदियां, या किसी अकासुर बकासुर, या किसी कंस का इस तरह से कोई सुदर्शन चक्र घुमा करके वो जो वध करना, वो वाली बात नहीं है। किसी का खून बहाने की बात नहीं है। कहते हैं ना अहिंसा परमो धर्म, ऐसे कहते हैं ना कि अहिंसा ही हमारा धर्म है। तो फिर देवी देवता कैसे किसी का खून कर सकते हैं, जो शस्त्र आदि दिखा दिए हैं? बाबा हमें समझाते हैं कि जो पांच विकारों में आकर जो हमारे अंदर आसुरी अवगुण है, उन अवगुणों को खत्म करना आत्मा की आत्मा पर लड़ाई है, और आत्मा की ही लड़ाई विकारों पर जीत पहनना है ना। कर्मातीत अवस्था होने को है ना, तो देवी गुण धारण करने हैं। इसमें कोई राक्षस की बात ही नहीं, आपके अंदर ही जो राक्षस है उसको इस योग अग्नि में जलाना है, मारना है। तो बाकी बाबा कहते हैं ऐसा कुछ नहीं कि आसुरों की और देवताओं की लड़ाई लगी नहीं, तुम इन आसुरी पांच विकारों पर योग बल से जीत पाते हो। बाकी कोई हिंसक लड़ाई की बात नहीं, तुम कोई भी प्रकार की हिंसा नहीं करते हो, तुम किसको हाथ भी नहीं लगाएंगे, तुम डबल अहिंसक हो। काम कटारी जलाना यह तो सबसे बड़ा पाप है। बाप कहते हैं यह काम कटारी आदि मध्य अंत दुख देती, आदि मध्य अंत
दुख देती है, विकार में नहीं जाना है। देवताओं के आगे महिमा गाते हैं आप सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी। आत्मा इन ऑर्गन्स द्वारा जानती है, कहते हैं कि हम पतित बन गए हैं, तो जरूर कब पावन थे। जो कहते हैं हम पतित बने हैं, बुलाते भी हैं हे पतित पावन आओ, जब पावन हैं तब कोई बुलाते ही नहीं है। उनको स्वर्ग कहा जाता है, यहाँ तो साधु संत आदि कितनी धुन लगाते हैं। पतित पावन सीता राम जहाँ भी जाओ गाते रहते हैं। बाप समझाते हैं कि सारी दुनिया पतित है, रावण राज्य है ना, रावण को जलाते हैं, परंतु उनका राज्य कब से हुआ किसको पता नहीं है। ढेर की ढेर भक्ति मार्ग की सामग्री है, कोई क्या करते कोई क्या करते। सन्यासी भी कितने योग सिखाते हैं अलग अलग तरीके से, है ना, लेकिन बाबा ने सहज योग सिखाया है। बाकी आप कहीं भी जाओ, महर्षि में जाओ या जो कहना चाहिए रामदेव बाबा के पास जाओ, तो सब कहीं ना कहीं शरीर को लेकर के योगा योग या जो भी करते हैं। कोई कहता है निर्विकल्प होना, कोई कहता है एकदम बिल्कुल जीरो हो जाने आपके थॉट, कोई कुछ कोई कुछ, कोई कैसे बॉडी को स्ट्रेट करके बैठने कहते, कोई कहते कि यही आसन जरूरी है। तो देखिए कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से योग सिखाने में कठिनाई हुई, लेकिन परमात्मा ने जो योग सिखाया वो चलते फिरते उठते बैठते खाट पे लेट के बीमार हैं तो आप किसी भी पोजीशन में हैं, सोफे पे बैठ के कैसे भी खाते पीते उठते सोते जागते आपको उस परमात्मा की याद करना है, ना कि कमर सीधी करके बैठना है, क्योंकि आत्मा तिरछी हुई है तो आत्मा को सीधा करना है। तो यह सब बात बाबा हमें समझाते हैं। बाबा कहते सन्यासी भी कितने योग सिखाते हैं, वास्तव में एक योग किसको कहा जाता है यह कोई को पता नहीं है। यह भी किसका दोष नहीं है, यह ड्रामा बना बनाया है जब तक मैं ना आऊं। इन्हों को अपना पार्ट बजाना है ना। बाबा जब तक नहीं आएंगे तो ये जो भी संसार में है कहते हैं फिर इनको ही पार्ट बजाना है, तो इनका दोष नहीं है। बाबा कहते हैं यह ड्रामा बना बनाया है, जब तक मैं ना आऊं इनको अपना पार्ट बजाना है। ज्ञान और भक्ति, ज्ञान है दिन सतयुग, त्रेता भक्ति है रात, द्वापर कलयुग, फिर है वैराग्य, पुरानी दुनिया से वैराग्य, ज्ञान से वैराग्य आता है ना, तो यह है बेहद का वैराग्य। उन्हों का है हद का वैराग्य, तुम जानते हो यह पुरानी दुनिया अब खत्म होने वाली है। नया घर बनाते हैं तो पुराने से वैराग्य हो जाता है। देखो बेहद का पाप कैसा है, तुमको स्वर्ग रूपी घर बना कर देता है। स्वर्ग है नई दुनिया, नरक है पुरानी दुनिया, नई सो पुरानी सो फिर नई बनती है। नई दुनिया की आयु कितनी है यह किसको पता नहीं है। अभी पुरानी दुनिया में रहे हम नई बनाते हैं, पुराने कब्रिस्तान पर हम परिस्तान बनाएंगे। यही जमुना का कंठा होगा, इस पर महल बनेंगे, यही दहली जमुना नदी पर होगी। बाकी यह जो दिखाते हैं पांडवों के किले थे, यह सब ड्रामा प्लान अनुसार जरूर फिर भी बनेंगे। जैसे तुम यज्ञ तप दान आदि करते होंगे यह फिर भी करना होगा। पहले शिव की भक्ति करते हो, फर्स्ट क्लास मंदिर बनाते हो, उनको आव्यभिचारी भक्ति कहा जाता है। अब तुम ज्ञान मार्ग में हो, यह है आव्यभिचारी ज्ञान। एक ही शिव बाबा से तुम सुनते हो, जिसकी पहले तुमने भक्ति की उस समय कोई और धर्म होते नहीं। उस समय तुम बहुत सुखी रहते हो, देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। देवता माने सिर्फ और सिर्फ देने का भाव, लेने का भाव नहीं है ना, तो सभी में ये भाव रहता है तो फिर दुख की बात ही नहीं। तो बहुत सुख देने वाला होता है, नाम लेने से मुख मीठा हो जाता है। तुम एक बाप से ही ज्ञान सुनते हो, बाप कहते हैं
और कोई से तुम मत सुनो, यह है तुम्हारा आव्यभिचारी ज्ञान। बेहद बाप के तुम बने हो, बाप से ही वर्षा मिलेगा नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार। बाप थोड़े समय के लिए साकार में आया हुआ है, कहते हैं मुझे तुम बच्चों को ही ज्ञान देना है। मेरा यह स्थायी शरीर नहीं है, मैं इसमें प्रवेश करता हूँ, हाँ यहाँ आकर के रहता नहीं हूँ, मैं आता। यदि वो यहाँ ही रहते तो वो ये नहीं कहते ना कि मैं आता हूँ। तो बाबा इस तन का आधार लेते हैं, इस रथ का आधार लेते हैं, लीज पर कहो, उधार कहो, थोड़े समय के लिए कहो, अवतरण कहो, जो भी, क्योंकि वो तो एवर प्योर है ना। तो वो ऐसे तो यहाँ आकर के रह नहीं सकते हैं, यहाँ कर्म गति में तो नहीं रहेंगे ना। और यदि वो कर्म गति में रहेंगे, दुख सुख में आएंगे, तो फिर वो कैसे हमें सुखी बनाएंगे जब वो खुद दुख सुख में आएंगे तो, है ना। तो जो दुखी होता है वो सुखी नहीं बना सकता ना, जो सुखी है वही सुख का सागर हमें सुखी बनाने का रास्ता बता सकता है ना। तो इस तरह से बाबा कहते हैं कि मैं इसमें प्रवेश करता हूँ। शिव जयंती से फिर जब गीता जयंती हो जाती है, उनसे ज्ञान शुरू कर देते हैं। यह रूहानी विद्या सुप्रीम देह देह सुप्रीम रूह दे रहे हैं परमात्मा। पानी की बात नहीं, पानी को थोड़े ही ज्ञान कहेंगे। पतित से पावन ज्ञान से पतित से पावन ज्ञान से बनेंगे, पानी से थोड़े ही पावन बनेंगे। नदियां तो सारी दुनिया में है ही, यह तो ज्ञान सागर बाप आते हैं, इसमें प्रवेश कर नॉलेज सुनाते हैं। यहाँ गौ मुख पर जाते हैं, वास्तव में गौ मुख तुम चैतन्य में हो। आत्माएं जो चैतन्य किसे कहते हैं, शक्ति, और शक्ति कौन है, आत्मा जो शरीर को चला रही है। तो वास्तव में ये आत्मा में ज्ञान सागर पिता आकर जब ज्ञान का छिड़काव करता है, ज्ञान का जो ज्ञान दाता ज्ञान देते हैं ब्रह्मा मुख द्वारा, फिर हम आत्मा इस रूहानी ज्ञान को सुनकर धारण करते हैं, फिर औरों को सुनाते हैं। तो आत्मा में है ना ये सब। तो गौ मुख तुम चैतन्य में हो, बाबा कहते तुम्हारे मुख से ज्ञान अमृत निकलता है। गौ से तो दूध मिलता है, पानी की तो बात ही नहीं। यह सब कुछ बाप बैठ समझाते हैं। जो सबका सदगति दाता है, अब सभी दुर्गति में पड़े हैं। आगे तुम नहीं जानते थे तो रावण क्यों जलाते हैं, अब तुम जानते हो। बेहद का दशहरा होने वाला है, यह सारी दुनिया बेट अर्थात टापू है, रावण का राज्य सारी सृष्टि पर है। बाबा कहते हैं यहाँ जो दुख जास्ती होते हैं, कई बार हमारे साथ में कंप्लेन होती है बाबा ये सब क्यों होता है, तो बाबा कहते हैं ये तो है ही ना पराया राज्य, ये तो है ही रावण राज्य। तो रावण राज्य है तो फिर ये सब होता ही है ना, क्योंकि मैं खुद पराये देश में आता हूँ, तो वो बहुत जबरदस्त ताकतवर है और वो चाहेगा कि हम इस राज्य को खत्म ना होने दें। तो कहीं ना कहीं से माया तो आप पर वार करेगी, क्योंकि माया भी बहुत ताकतवर है, तो वो हर हाल में कोशिश करेगी कि हमारा राज्य कोई खत्म ना कर पाए, है ना। तो इस तरह बाबा कहते हैं जो अब तुम जानते हो बेहद का दशहरा होने वाला है, यह सारी दुनिया टापू है, रावण का राज्य सारी सृष्टि पर है। जो शास्त्रों में है बंदर सेना थी, बंदरों ने पुल बनाई, यह सब है दंत कथाएं। भक्ति आदि चलती है, पहले होती है आव्यभिचारी भक्ति, फिर व्यभिचारी भक्ति। दशहरा, राखी बंधन सब अभी के ही त्योहार हैं, संगम के। शिव जयंती के बाद होती है कृष्ण जयंती, अभी कृष्ण पुरी स्थापन हो रही है। आज है कंसपुरी, कल होगी कृष्णपुरी, और जब कंसपुरी है तब कृष्णपुरी हो ना सके, और जब कृष्णपुरी है तब कंसपुरी हो ना सके। जब राम राज्य है तो रावण होना रावण राज्य हो ना सके, और जब रावण राज्य है तो राम राज्य हो ना सके, है ना। तो इस तरह बाबा कहते हैं
रात और दिन एक साथ नहीं हो सकते ना, दिन होगा तो रात खत्म हो जाएगी और जब रात होगी तो दिन खत्म हो जाएगा, है ना। इस तरह बाबा हमें समझाते हैं। बाबा कहते हैं अभी कृष्णपुरी जो है स्थापन हो रही है ना। कंस आसुरी संप्रदाय को कहा जाता है, पांडव और कौरवों की लड़ाई है नहीं, है बाबा कहते हैं कौरवों और पांडवों की कोई लड़ाई नहीं, कृष्ण का जन्म है सतयुग में, वह है फर्स्ट प्रिंस। स्कूल में पढ़ने जाता है, जब बड़ा होता है तो राजगद्दी पर बैठता है। महिमा सारी शिव बाबा की है, जो पतितों को पावन बनाने वाला है। बाकी यह रास लीला आदि यह तो आपस में खुशी मनाते होंगे, बाकी कृष्ण किसको ज्ञान सुनाए, यह कैसे हो सकता है। बाबा कहते हैं किसको मना नहीं करनी है कि भक्ति नहीं करो। बाबा ने कई बार मुरली में कहा, कई भाई बहनों के मन में ये क्वेश्चन आता है और बाबा मुरली के द्वारा ही उत्तर देते हैं। बाबा कहते किसी को कहो नहीं, जब उनको ज्ञान समझ आएगा अध्यात्म के बारे में, वो अपने खुद आत्मा के अंदर का समझेंगे, स्व का दर्शन करेंगे, तो आप ही छूट जाती है। भक्ति छोड़ते हैं, विकार छोड़ते हैं, इस पर ही हंगामा होता है। बाबा ने कहा है मैं रुद्र यज्ञ रचता हूँ, इसमें आसुरी सांप्रदाय के विघ्न पड़ते हैं। यह है शिव बाबा का बेहद का यज्ञ, जिससे मनुष्य से देवता बनते हैं। गाया हुआ है ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रकट हुई, जब पुरानी दुनिया का विनाश हुआ। पुरानी दुनिया का विनाश हो तब तुम नई दुनिया में राज्य करेंगे। लोग कहते हैं हम कहते शांति हो, यह बीके कहते विनाश हो। ज्ञान ना समझने के कारण ऐसा बोलते हैं। बाप समझाते हैं यह सारी पुरानी दुनिया इस ज्ञान यज्ञ में स्वाहा हो जाएगी। पुरानी दुनिया को आग लगने वाली है, नेचुरल कैलेमिटीज आएंगे, सरसों मुआफिक्स पीस कर खत्म हो जाएंगे, बाकी कुछ आत्माएं बच जाएंगी। आत्मा तो अविनाशी है। अब बेहद की होलिका होनी है, जिसमें शरीर सब खत्म हो जाएंगे, बाकी आत्मा पवित्र बनकर फरिश्ता बन चली जाएगी। आग में चीज शुद्ध होती है, हवन करते हैं शुद्धता के लिए, वह सब है जिस्मानी बातें। अब सारी दुनिया स्वाहा होने वाली है, वाणी से परे वानप्रस्थ अवस्था है सभी की, इसमें कोई उम्र का वो नहीं है। विनाश के पहले जरूर स्थापना होनी चाहिए, किसको समझाओ, पहले स्थापना फिर विनाश। ब्रह्मा द्वारा स्थापना प्रजापिता मशहूर हैं, आदि देव आदि देवी जगत अम्बा के लाखों मंदिर हैं। कितने मेले लगते हैं, तुम हो जगत अम्बा के बच्चे, ज्ञान ज्ञानेश्वरी फिर बनेंगे राज राजेश्वरी। जब ज्ञान हो तब तो फिर राज राजेश्वरी बने, राजस्व का प्राप्त होगा जब स्व पर जीत पालेंगे, और ज्ञान के बिना स्व पर कैसे जीत पाएंगे कर्मेंद्रियों पर, है ना। तो इस तरह से फिर बनेंगे राज राजेश्वरी। तुम बहुत धनवान बनते हो फिर भक्ति मार्ग में, लक्ष्मी से दीपमाला पर विनाशी धन मांगते हैं, तो यहाँ तुमको सब कुछ मिल जाता है। आयुष्मान भव, आयुष्मान भव कहते ना पुत्रवान भव, वहां 150 वर्ष आयु रहती है, यहाँ तुम जितना योग लगाओगे लगाएंगे उतनी आयु बढ़ती जाएगी। तुम ईश्वर से योग लगाकर योगेश्वर बनते हो, तो योगेश्वर कौन बनाएगा, जो होगा वही तो बाप कहते हैं मैं धोबी हूँ, सब मूत पतीले आत्माओं को साफ करता हूँ, जैसे माँ अपने बच्चे के गंदे कपड़े धोती है ना, ठीक उसी तरह से पिता आकर के धोबी बन करके हम आत्माओं को साफ करते हैं, जिसमें कितना कीचड़ा भरा हुआ है, पांच विकारों के आसुरी गुण भरे हुए हैं, जो एक दूसरे को दुख देते रहते हैं, काम विकार में आत्मा को तार तार करते। इस तरह से बाबा हमें साफ सुथरा करते हैं ना, तो फिर शरीर भी शुद्ध मिलेगा। मैं सेकंड में दुनिया के कपड़े साफ कर लेता हूँ, सिर्फ मन मना भव होने से आत्मा और शरीर पवित्र बन जाएंगे, छू मंत्र हुआ ना।
सेकंड में जीवन मुक्ति कितना सहज उपाय है। चलते फिरते सिर्फ बाप को याद करो और कोई जरा भी तकलीफ नहीं देता हूँ। अब तुम्हारी एक सेकंड में छुटती कला होती है। जैसे ही आपने आत्मा को समझा, परमात्मा को समझा, उसके ज्ञान को जैसे ही धारण किया और बस तीर इसे ही लगा, जिसको लगा तो वो मुक्ति, जीवन मुक्ति में चला गया। तो बाबा कहते इस तरह से मैं कोई कष्ट थोड़े ना देता हूँ, है ना। बाबा कहते तुम्हारी चढ़ती कला सेकंड में है। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों का सर्वेंट बनकर आया हूँ। वाह बाबा वाह, तुमने बुलाया है, हे पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ। तो सर्वेंट हुआ ना, नौकर हुआ। जब तुम बहुत पतित बनते हो तो जोर से चिल्लाते हो, अब मैं आया हूँ, मैं कल्प कल्प आकर बच्चों को मंत्र देता हूँ कि मुझे याद करो। मन मना भाव का अर्थ यह भी है। फिर विष्णु पूछ, बाबा कहते जब बहुत जोर जोर से चिल्लाते हो ना कि पतित बनते हो, जोर से चिल्लाते, तो अब मैं आया हूँ। बाबा कहते हैं मैं कल्प कल्प आकर बच्चों को मंत्र देता हूँ कि मुझे याद करो। मन मना भव का अर्थ भी यह है। फिर विष्णुपुरी का मालिक बनेंगे। तुम आए हो विष्णुपुरी का राज्य लेने। रावणपुरी के बाद विष्णुपुरी, कंसपुरी के बाद कृष्णपुरी। कितना सहज समझाया जाता है। बाप कहते हैं इस पुरानी दुनिया से सिर्फ ममत्व मिटा दो। अब हमने 84 जन्म पूरे किए हैं। यह पुराना चोला छोड़ हम जाएंगे नई दुनिया में। याद से ही तुम्हारे पाप कट जाएंगे। इतनी हिम्मत करनी चाहिए। अच्छा बाप दादा का याद प्यार, मीठे मीठे सीखी लाधे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, सबका साथी सबका सहारा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला, मुख से सदैव ज्ञान अमृत निकालना है। ज्ञान से ही सबकी सदगति करनी है। एक बाप से ही सुनना, ज्ञान सुनना है, दूसरों से नहीं। दूसरा है चढ़ती कला में जाने के लिए चलते फिरते बाप को याद करने का अभ्यास करना है। इस पुरानी दुनिया पुराने चूल्हे से ममत्व मिटा देना है। आज का वरदान है एक ही रास्ता और एक से रिश्ता रखने वाली संपूर्ण फरिश्ता भव। निराकार व साकार रूप से बुद्धि का संग व रिश्ता एक बाप से पक्का हो तो फरिश्ता बन जाएंगे। जिनके सर्व संबंध व सर्व रिश्ते एक के साथ हैं वही सदा फरिश्ते हैं। जैसे गवर्नमेंट रास्ते में बोर्ड लगा देती है कि यह रास्ता ब्लॉक है, ऐसे सब रास्ते ब्लॉक बंद कर दो तो बुद्धि का भटकना छूट जाएगा। बाप दादा का सही फरमान है कि पहले सब रास्ते बंद करो, इससे सहज फरिश्ता बन जाएंगे। आज का स्लोगन है सदा सेवा के उमंग उत्साह में रहना, यही माया से सेफ्टी का साधन है। सदा सेवा के उमंग उत्साह में रहना, यही माया से सेफ्टी का साधन है। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, निरंतर ईश्वरीय याद की बैठक। अब जब परमात्मा की याद में बैठते हो तो बैठने का मतलब क्या है? हमें सिर्फ परमात्मा की याद में बैठना नहीं है, परंतु अपनी ईश्वरीय याद तो नित्य चलते फिरते हर समय करनी है। और याद भी उस वस्तु की रहती है जिसका परिचय हो। अननोन को हम नहीं याद करते ना, तो परिचय होता है उसको ही याद करते, उसका नाम रूप क्या है। अगर हम कहें ईश्वर नाम रूप से न्यारा है तो फिर किस रूप को याद करें?
अगर कहें ईश्वर सर्वव्यापी है तो उनकी व्यापकता तो सर्वत्र हो गई, तो फिर याद किसको करें? अगर याद शब्द है तो अवश्य याद का रूप भी होगा। याद का मतलब है एक याद करने वाला, दूसरा जिसको याद करते हो तो जरूर याद करने वाला उनसे भी भिन्न है, तो फिर ईश्वर सर्वव्यापी नहीं ठहरा। अगर कोई कहे हम आत्माएं परमात्मा के अंश हैं, तो क्या परमात्मा भी टुकड़ा टुकड़ा होता है? फिर तो परमात्मा विनाशी ठहरा, उनकी याद भी विनाशी हुई। अब इस बात को लोग नहीं जानते, परमात्मा भी अविनाशी है, हम उस अविनाशी परमपिता परमात्मा की संतान आत्मा भी अविनाशी हैं, तो हम वंश ठहरे ना कि अंश। अब यह चाहिए नॉलेज जो परमात्मा स्वयं आकर हम बच्चों को देते हैं। परमात्मा के हम बच्चों के प्रति महावाक्य हैं, बच्चे मैं जो हूँ जैसा हूँ उस रूप को याद करने से तुम मुझे अवश्य प्राप्त करोगे। अगर मैं दुख से न्यारा पिता सर्वव्यापी होता तो फिर खेल में सुख दुख नहीं होता, तो मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ, मैं भी आत्मा सदृश्य आत्मा हूँ, लेकिन सर्व आत्माओं से मेरे गुण परम हैं, प्योर हैं, एवर प्योर है ना, इसलिए मुझे परम आत्मा अर्थात परमात्मा कहते हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।